बच्चों, आप कैसे हो? ओ अच्छे है ना? ठीक है, मैं भाग्या हूँ, मैं हिंदी शिक्षिका हूँ। ठीक है ना बच्चों? ठीक है, कैसे हो बच्चों? अच्छा है ना? घर में क्या क्या करते हैं? खेलते हैं, फिरते हैं, सब करते हैं ना? ये बस करो, आज से शुरू करेंगे पाठ। ठीक है, मैं आपको कुछ प्रश्न पूछती हूँ, उत्तर दे। सब सुबह उठते हो, क्या क्या करते हो? प्रार्थना करते हैं ना? ठीक है, आप क्यों प्रार्थना करते हैं? भगवान से कुछ मांगने के लिए करते हैं ना? ये देखो बच्चों, आपका पहला कविता का नाम है प्रार्थना। सबके पास किताब है ना? सब को ये पहला कविता का नाम है प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब है प्रेयर। ठीक है बच्चों, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आपके पहला कविता में कवि भी प्रार्थना करते हैं। कैसा करते हैं, क्यों करते हैं, क्या मांगते हैं, आज देखेंगे। ठीक है, एक कविता संकलित है। संकलित का मतलब है संग्रह। कवि ने लिखे कविता से चुनकर है, इसलिए कहता है संकलित, संग्रह कहता है। कविता का, कविता में एक भाग है, एक कविता है संकलित। ठीक है बच्चों, सब को ये किताब मैं पहली पढ़ती हूँ, ध्यान से देखो। प्रार्थना। मनुष्य जीवन में सद्भाव का प्रधान स्थान है। छोटे बड़े का भेदभाव ना रखते हुए सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और अपने देश के प्रति अभिमान रखना चाहिए। कवि इस कविता में पहले अपना आशय बताते हैं। देखिए, मनुष्य जीवन में सद्भाव का प्रधान स्थान है ना बच्चों? मनुष्य के जीवन के किसका प्रधान स्थान है? सद्भाव का प्रधान स्थान है। सद्भाव, सद्भाव का मतलब है सद्भावन। ठीक है बच्चों, किसका प्रधान स्थान है? सद्भाव। सद्भाव का मतलब है सद्भाव। छोटे बड़े को भेदभाव ना रखते हुए सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। कवि कहता है हम सबको मिलजुल कर, कौन कौन मिलजुल कर? छोटे और बड़े का भेदभाव, छोटे है, बड़े है, उत्तम लोग है, छोटे है, ये सब भेदभाव ना रखते हुए हम सब मिलजुल कर रहना चाहिए। कवि ऐसा आशय कहता है, हम कैसा रहना चाहिए? मिलजुल कर रहना चाहिए। हाँ कहता है किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। देखो बच्चों, अब कैसा करना चाहिए? किसी का भी अपमान, अपमान का मतलब है तिरस्कार नहीं देना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। और अपने देश, अपना देश का नाम क्या है? भारत। भारत है ना, कि भारत देश के प्रति क्या रखना चाहिए? अभिमान। अभिमान का मतलब है गौरव रखना, रखना चाहिए। हमारे देश पर अभिमान रखना चाहिए, कवि का आशय है। इसलिए कवि ने भगवान से प्रार्थना करती है। देखिए कैसा करती है, आपको पढ़ते हूँ, आप ध्यान से कविता को देखिए। मैं पहले पढ़ती हूँ। सच बोले, सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, मिलकर रहे, नियम अपनाए, भीती भातों को विसराए, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए, करे किसी का ना अपमान, ऐसे
भगवान। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम। हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर भले भले जाए। मैं फिर एक बार पढ़ती हूँ, देखिए। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। मिलकर रहे नियम अपनाए, रीति भातों को बिसराए। छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। करे किसी का ना अपमान, ऐसे ही मति दो भगवान। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम। हट छोड़े सम्यक अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। बच्चों ध्यान से पढ़ो, घर में जाकर एक कविता को कंठस्थ करो। एक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कविता है, इसलिए कंठस्थ करना है। देखिए कविता का विश्लेषण इस तरह है। पहला पद्य बात है, सच बोले सच बात विचारे। इस कविता के पहला पंक्ति का हत्य होता है सच बोले। सच का मतलब है ना, इसका ऑपोजिट है सच, झूठ। छोटे बड़े
छोटे अपोजिट वर्ड छोटे बड़े। छोटे और बड़े लॉन्ग हम सब मिलजुल कर, मिलजाएं का मतलब है मिलजुल कर। क्या करना चाहिए गिरे हुए को? गिरे हुए को मतलब है कष्ट में रह, इधर पंक्ति में आता है गिरे हुए का मतलब है बहुत कष्ट में है, ये बड़े हैं छोटे लोग हैं, ये कष्ट में रहने वाले को क्या करना चाहिए? सहायता देना चाहिए। तुरंत उठाई का मतलब है सहायता देना, हाथ देना, हाथ देकर उठाना उनको। इसलिए कहता है छोटे बड़े सब मिलजुल कर गिरे हुए को तुरंत उठाए। तुरंत का मतलब है जल्दी उठाना चाहिए उनको, सहायता देना चाहिए, हाथ देनो। इनके कविता में बहुत इम्पोर्टेंट है अंडर लाइन दिस, गिरे हुए को कैसे उठाना चाहिए? जल्दी उठाना चाहिए, तुरंत उठाना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। करे किसी का ना अपमान ऐसे ही मत दो भगवान, करे किसी का ना अपमान। कवि भगवान से प्रार्थना करके हमका मति देना, ध्यान देना, ध्यान देना के लिए प्रार्थना करती है। कैसे? करे किसी का ना अपमान, किसी को हम क्या करना नहीं करना चाहिए? अपमान, अपमान का मतलब है तिरस्कार। हम किसी को भी अपमान नहीं करना चाहिए, ऐसे ही मत दो भगवान। भगवान से प्रार्थना करती है क्या देने के लिए, किसी को अपमान नहीं करने के लिए, मति देने के लिए। मति का मतलब है बुद्धि, ज्ञान। भगवान से प्रार्थना करती है हम किसी को अपमान नहीं करने के लिए हमको बुद्धि देना, देने के लिए प्रार्थना करती है, मति देने के लिए प्रार्थना करती है। करे किसी का ना अपमान ऐसे ही मत दो भगवान। भगवान का मतलब है गॉड। लास्ट पद्य पाठ है, देखिए। हे कहे सद्भाव रखे हम देश देश में मान रखे आम, एक रहे सद्भाव रखे हम। कवि कहता है हम कैसे रहना चाहिए? सद्भाव से रहना चाहिए। हाउ? एक रहकर, ज्वाइन कर, हम सद्भाव रखकर हमारे मन में सद्भाव रखना, सद्भावन रखना, सदाचार रखना, ये सभी गुणों को रखकर हम देश देश का मान रखे हम। क्या करना चाहिए? देश का मान, मान का मतलब है मर्यादा। मर्यादा, गौरव कहता है ना, हम एक रहे सद्भाव रखकर हम देश देश में मान रखे हम। गौरव को बढ़ाना चाहिए देश देश में। कवि प्रार्थना करते हैं एक रहे सद्भाव रखे हम देश देश में मान रखे हम। हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। लास्ट में कहते हैं हट छोड़े, हट का मतलब है दुराम, दुराहंकार, दुराभिमान, ये सभी को क्या करना चाहिए? छोड़ना चाहिए। हट छोड़ना का मतलब छोड़ देना, अहंकार छोड़ देना, हट दुराम अभिमान छोड़ देना। ये हट छोड़कर कैसे अपनाना चाहिए? संयम, संयम का मतलब है कूल, तालमेल तक कहता है ना, उसको संयम कहता है। हम क्या छोड़ना चाहिए? हट छोड़ना चाहिए। हम कैसे रहना चाहिए? संयम रखना चाहिए, अपनाना चाहिए। अपना घर, संयम अपना घर। क्या जाने के लिए तैयार होना चाहिए? मातृभूमि पर, हमारा मातृभूमि है ना, मातृभूमि को
क्या देना चाहिए? बलिदान, बलि बलि चाहिए का मतलब है बलिदान देने के लिए भी, बलि होने के भी हम सब तैयार होना चाहिए। ऐसा ज्ञान, ऐसा मति हमको देने के लिए कवि प्रार्थना कविता में प्रार्थना करती है। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, मिलकर रहे नियम अपनाए, भीती भातों को विसराए, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए, करे किसी का ना अपमान, ऐसे ही मति दो भगवान, एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम, हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। बच्चों आप सब भगवान से ऐसे प्रार्थना करो, प्रार्थना करके हम सब तैयार होने के लिए तैयार है, मातृभूमि के लिए बलि हो जाने के लिए। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, एक कविता बहुत इम्पोर्टेंट है, कंठस्थ करने के लिए है, सभी ने कंठस्थ करके आओ। ठीक है बच्चों, ये शब्द है ना, ये सभी लिखो आपके किताब में, लिखिए। ठीक है बच्चों, हम आज होमवर्क देती हूँ। पहला, इस कविता को आज का होमवर्क है, इस कविता को कंठस्थ करके आओ, मैं व्हाट्सएप में पूछती हूँ। ठीक है, वीडियो कॉल करती हूँ अब सबको, एक एक करके मैं पूछती हूँ। ठीक है बच्चों, और दो बार कविता लिखिए। ठीक है बच्चों, ठीक है।